क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर 36 मीटर है, बाघ की बीमाएं ज्ञात करना है। तो देखिए, मान लेते हैं कि बाघ, ये आयताकार बाघ है जिसका लंबाई एक्स चौड़ाई वाई। मान लेते हैं, माना कि आयताकार बाघ की लंबाई एक्स मीटर तथा चौड़ाई वाई मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, कितना कम है, 4 मीटर। तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 मीटर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, अर्ध परिमाप बोल रहा है, परिमाप में क्या होता है, चारों भुजाओं का सम होता है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही भुजा लेना है क्योंकि यहाँ पर बोल दिया अर्ध परिमाप, यानी एक्स प्लस वाई कितना है, 36। और इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिक मेथड से सॉल्व करना है या फिर डायरेक्ट सॉल्व करना है बताया नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये दोनों प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 40, 20 दूनी 40। तो x दैट इज लंबाई कितना आ गया, 20। अब x का वैल्यू किसी भी समीकरण में पुट करेंगे तो हमको आंसर y का आ जाएगा, x इक्वल्स टू 20 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 था, x की जगह पर 20 रखेंगे, 20 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसको राइट ले जाते हैं, इसको लेफ्ट लेके आते हैं, 20 माइनस 4 इक्वल्स टू वाई, इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16। यानी कि आयताकार भाग जिसकी लंबाई 20, x का वैल्यू, और चौड़ाई 16 मीटर, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक रैखिक समीकरण 2x+3y-8=0 दी गई है, दो चरों में एक ऐसे रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। हम तीनों का एक बार कंडीशन को देख लेते हैं। अगर a1 by a2 equals to b1 by b2 नॉट इक्वल रहे तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, संपाती। और अगर a1 by a2 equals to b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 हो जाए तो इस केस को हम लोग कहते हैं समांतर। चलिए इसी को रखेंगे सामने में और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, इसी से हमको चेक करना है, देखना है। तो हमको पहले देखना है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 by a2 और b1 by b2 नॉट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर a1 के जगह पर 2 लिखेंगे और a2 के जगह पर मान लेते हैं 3 ले लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर b1 by b2 जो लेंगे वो a1 by a2 से अलग होना चाहिए, तो यहाँ पर ले लेते हैं 4 5, सॉरी 4 5 नहीं, यहाँ पर तो b1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 5। तो अगर a2 हम 5 लिए तो ये क्या हो जाएगा, 3x+, हमने 5 लिया यहाँ पे, तो ये 5 माइनस का 8 था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्लस का 9 ले लेते हैं, इक्वल्स टू 0 कुछ भी ले लेंगे, जो कि ये दोनों बस इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए लाइन हो गया। दूसरा कंडीशन में कहता समांतर रेखा, और समांतर के लिए क्या है, a1 a2 बराबर होना चाहिए b1 by b2 के। तो हम इसी हिसाब से सेट करेंगे, a1 by a2, a1 कितना है यहाँ पे, 2 है, और a2 हमको लेना है, कुछ भी लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए 3 ले लिए। और दूसरा हमको b1 by b2 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मैच कर देना चाहिए था, बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे 3 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लेना चाहिए, ताकि दोनों बराबर हो जाए, हम यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 6 ले लेते हैं,
तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 ले लेंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर हो जाएगा, और सी वन बाय सी टू हम क्या करते हैं, जैसे -8 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे माइनस का 9 ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा समीकरण, समांतर होने के लिए 6x+9y -9=0, ये जो समीकरण निकला इन दोनों के साथ कैसा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन क्या है, संपाती, संपाती होने के लिए क्या होना चाहिए, ये भी निकाल देते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होना चाहिए, तो a1 और a2 का मान कितना हो जाएगा, मान लीजिए 2 है तो इसका हम डबल ले लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा 1/2। दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे b1 बाय b2, b1 कितना है 3, तो इसका डबल ले लेंगे 6, तो ये भी हो जाएगा 1/2। c1 बाय c2, c1 यहाँ पे कितना है -8, तो इसका डबल 16, इसका भी हो जाएगा 1/2। तो ये जो बन के आएगा समीकरण, समीकरण क्या बन के निकलेगा यहाँ पे, हम a2 को जगह पर ले लेंगे 4x, b2 हो गया 6 यानी कि 6y, और c1 के जगह -16=0, दैट इज ये समीकरण और ये समीकरण मिलकर के क्या बन गया, समपाती बन गया, दोनों एक ही लाइन का रेखा, एक ही लाइन का जो है समीकरण बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन दिया है, समीकरणों x-y+1=0 और 3x+2y-12=0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो आंख बंद करके क्या करना है, पहले दोनों इक्वेशन से, दोनों समीकरणों से हमें ग्राफ खींचना है x-y+1=0, ये हो गया फर्स्ट, तो इसको हम लोग और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x=, क्या हो जाएगा y-1। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x+2y-12=0, तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो x=, क्या हो जाएगा 12 राइट को जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये उस पार जाएगा तो -2y हो जाएगा, और यहाँ पर 3 इंटू में था, इधर आके डिवीजन में आ जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो समीकरण एक ये हो गया, ये हो गया समीकरण दो। तो समीकरण एक का टेबल बनाते हैं यहाँ पे, एक का टेबल, ये x और ये y, हम दो दो पॉइंट ही निकालेंगे, काफी है। y का वैल्यू हमने 0 रखा तो x का वैल्यू आ गया -1, y का वैल्यू 2 रखा तो x का वैल्यू आ गया 1। अब समीकरण दो के लिए चलिए अगर हम यहाँ पर 0 कर देते हैं y को, तो ये क्या हो जाएगा 3 चौके यानी 4 आ जाएगा, अगर हम इसको एक करते हैं तो 10 हो जाएगा, कटेगा नहीं, अगर इसको हम दो कर दें 4 हो जाएगा, तो 4 घटेगा तो 8 आएगा, वो भी नहीं होगा, इसको हम 3 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, अगर 3 2 6 12 में से 6 घटेगा तो 6 हो जाएगा, 6 2 9 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो हमें ये दो टेबल मिल गया है, और इन दो टेबल से हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे, ड्रॉ कर लेना है, ये x, ये y, x-y-1, 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3, 1 2 3 4। अब देखिए ये हो गया 0 सेंटर पे,
माइनस वन जीरो, एक्स हो गया माइनस वन और ये हो गया जीरो, यानी कि पहला पॉइंट हो जाएगा माइनस वन जीरो, दूसरा है वन और टू, एक्स में वन वाई में टू, एक्स में वन वाई में टू, दूसरा पॉइंट होगा ये वन कोमा टू, सेकेंड इक्वेशन के लिए चार जीरो, एक्स हो गया चार वाई हो गया जीरो, ये हो गया चार जीरो, टू थ्री एक्स टू वाई थ्री, एक्स में टू लेंगे और वाई में थ्री लेंगे, तो ये कहाँ पर क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, इस बिंदु पर हो गया टू थ्री। अब क्या करना है, इसको पहले पहला समीकरण वाला ये हो गया और दूसरा समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये हो गया दूसरा समीकरण के लिए, तो दोनों एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा टू थ्री। चलिए इस तरीके से क्या हो गया, त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स क्या क्या हो जाएगा, माइनस वन कोमा जीरो यहाँ पर हो जाएगा, टू कोमा थ्री और नेक्स्ट फोर कोमा जीरो, ये तीनों वर्टेक्स हो गया, तीनों शीर्ष हो गया। और क्या बोल रहा था, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से, ये हो गया एक्स अक्ष और इन दोनों रेखाओं से जो बन गया त्रिभुज है इसको क्या करना है, छायांकित कर देना है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।